क्षेत्र वाराणसी में संभावित दौरे को लेकर अब तैयारियां अंतिम चरण पर है। प्रधानमंत्री के आगमन के पहले वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थलों का जायजा मुख्य सचिव और डीजीपी ने लिया। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम स्थल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में होने वाली जनसभा रुद्राक्ष सेंटर का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कमियों को युद्ध स्तर पर दूर करने के निर्देश दिए गए। देखिए, प्रोग्राम अभी फाइनल आया नहीं है, ऑफिशियल प्रोग्राम आ जाएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन मोटा मोटा जैसे यहाँ आए हुए हैं तो रुद्राक्ष में कार्यक्रम है, एक जनसभा का कार्यक्रम है, बीच का कार्यक्रम भी है। लेकिन फाइनल कार्यक्रम अभी आना शेष है, फाइनल कार्यक्रम जब आ जाएगा तो उसकी अधिकारिक जानकारी देनी चाहिए। सर, कितने की सौगात देने की बात है? लगभग 1550 करोड़ रुपए की जो सौगात उसको देने की बात है। जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो हर बार बड़ी सौगात ही मिलती है, तो बड़ी सौगात हमेशा इस बात भी मिलेगी। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे ही प्रोग्राम फाइनल हो जाता है, जो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ प्रत्येक जगह पे अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कल SPG के अधिकारी भी आएंगे, उनके साथ मिलके यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब और ED साहब मिलके एक प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था की जाएगी।